बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मदर व्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आप तो जानते ही हैं कि गर्मियों का सीज़न आ गया है और हमें एयर कूलर पंखों की अशद ज़रूरत होती है आजकल के दौर में, और बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो मैंने आपके लिए एक शॉप देखी है जिनके पास जो एयर कूलर हैं वो मौजूद हैं, और ये एयर कूलर जो हैं वो यूपीएस पे भी चलते हैं। आप आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं शॉप का नंबर जो है वो आपको दिखा दूंगी, इनका विजिटिंग कार्ड आपको दिखा दूंगी, उसके ऊपर इनकी शॉप का एड्रेस और लोकेशन मेंशन है, आप इनसे ब्राह रास्त रब्ता कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी शॉप है और इनके पास हर तरह के एयर कूलर मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वैरायटी आजकल इनके पास जो है वो उन एयर कूलर की है जो यूपीएस पे चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जो इस शॉप के ऑनर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाईजान, आपकी शॉप किस तरफ वाकया है? मेरी शॉप है जंग रोड डिस्पेंसरी मोड़, सलामी दफ्तर। ठीक है, और आपके पास एयर कूलर की कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है? मेरे पास लोहे की है और स्टील की है और प्लास्टिक की है। ये 12 वोल्ट में मेरे पास सारी वैरायटी मौजूद है, और इसके अलावा मेरे पास पंखे होते हैं एसी डीसी। ठीक है जी, ये मेरे पास कूलर मौजूद है, ये 12 वोल्ट पे चलता है, डायरेक्ट प्लेट पे भी चल जाएगा, और इसको सोलर पे भी चला सकते हैं आप, और उसको सप्लाई पे भी चला सकते हैं। ठीक है, 12 वोल्ट की सप्लाई लग के बिजली पे चलेगा, बैटरी पे भी चला सकते हैं इसको, यूपीएस पे भी चला सकते हैं। ये इस तरह ओपन होता है जी? ये ऐसे ओपन होता है, इसमें बोतलें भी लग जाती हैं जो फ्रीज हो गए पानी ठंडा कर देती है। ठीक है जी। और ये प्लास्टिक पार्टी कूलर है? ये प्लास्टिक पार्टी है। सही है, बड़ा हल्का सा कूलर है, पहले तो बड़े भारी भारी एयर कूलर होते थे। ये जो है ना, ये प्लास्टिक में यही सहूलत है ना कि इसको उठाना ज़रा सहूलत हो जाती है, पहले बदली कूलर होते थे उठाया नहीं जाता था। ठीक है, इसको जिधर मर्जी मूव कर लें, फ्लिप कॉम्प्रेस के होते हैं। बिजली इसमें जो सप्लाई लगती है ना, ये समझ लें आप जो जीरो को बल्ब चला रहे हैं ना घर में, ठीक है, इतनी बिजली इसमें इस्तेमाल होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बचत है बिजली की इसमें। ठीक है, और ये पूरी जो है प्लास्टिक बॉडी का कूलर है? जी प्लास्टिक बॉडी का, और नए प्लास्टिक में है। ठीक है, ये ऑन ऑफ का पंखे का है, ये पंप का है, ये मूविंग का है, ये जो ग्रिल मूव करती है ना उसका है। और इसके अंदर ये जो फस लगी होती है वो कौन सी होती है? ये पैड लगी हुई है इसके अंदर गत्ते की। ये किस क्वालिटी का पैड होता है? ये अच्छी क्वालिटी होती है, इसमें ये होता है कि आप कमरे के अंदर रखेंगे ना तो हीट वगैरह नहीं होगी कमरे के अंदर और बदबू नहीं आएगी। वो पहले जो लगती थी वो फस होती थी बारीक बारीक सी, उसकी बदबू आती है और हीट करती है, वो बुरे की होती है ना, वो कमरे के अंदर हीट करती है, ये हीट नहीं करेगा। ये किस चीज़ का पैड होता है? ये गत्ता होता है। गत्ता है, तो ये गत्ता गल नहीं जाता? नहीं, गलता नहीं है, ये 5-4 साल तो कहीं नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद फिर ये चेंज हो जाता है। और इसके अंदर जो मोटर वगैरह लगी होती है ये ओपन हो सकता है यहाँ से? ओपन नहीं, ये तो फिट हुआ हुआ है, मोटर इसके अंदर ब्लिनो की लगी हुई है, चाइना की। ठीक है, कॉपर वाली। ठीक है जी। और ये वाले जो कूलर हैं ये कितने का कूलर मिल जाता है? ये हम सेल कर रहे हैं 10,000 रुपये का। 10,000 का जी। तो ये इसकी इतनी ही मार्केट में कीमत है या कोई आपकी दुकान में फ़र्क है कीमत नहीं का? हमारा होलसेल का रेट है, हम खुद तैयार करते हैं इसको, इसलिए हम इस रेट पे प्राइस पे दे रहे हैं, जो हमसे लेके जाते हैं वो उसको 12,000 रुपये में सेल कर रहे हैं। ठीक जी। और इसकी कोई वारंटी वगैरह? इसकी वारंटी नहीं होती कोई भी, चेक वारंटी होती है, लेकिन ये है कि हमने इसको इसके अंदर जो होता है ना टांके लगा के इसको तैयार किया है, स्पार्किंग के साथ ये मसला बनता है, इसकी स्पार्किंग हमने ख़त्म कर दी है। ठीक है, और अगर कोई कूलर आपसे लेके जाता है और वो घर जाके देखे वो ना चल रहा हो, काम ना सही कर रहा हो, तो क्या कोई तब्दीली की पॉलिसी होती है? हम इधर बैठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, तब्दीली तो हो जाती है, उसका मसला जो भी हो वो तो हल हो जाता है। ठीक है। अच्छा एवर्स, मैं आपको इनकी शॉप का विजिटिंग कार्ड दिखा देती हूँ, आप इनका नंबर नोट कर लें। उम्मीद है आपने इनका नंबर नोट कर लिया होगा। इनके पास बहुत बड़ी वसी रेंज है कूलर की, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत सारे कूलर इनके पास हैं। इसके अलावा इनके पास ये फ़ैन है, एसी डीसी फ़ैन है, ये सभी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और ये मार्केट से बहुत कम प्राइस में आपको मिलेंगे। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें।
मेरे चैनल मदर व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से इसको एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।